अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। तमाम मुसलमान भाइयों को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोस्तों, इस साल भी रमज़ान सख्त गर्मा में आ रहा है और कई लोगों के कॉल्स रिसीव होने पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लोग ये पूछ रहे हैं कि रमज़ान के रोज़े रहने के बाद कई लोगों में गैस की शिकायत, पेट फूलना, खट्टे डकारे आना, खाना हजम नहीं होना और कब्ज की शिकायत रहना और गैस की वजह से प्यास ज़्यादा लगना, इनके लिए नुस्खा बताने जा रहा हूँ। नुस्खा नोट फरमा लें। सौंफ 50 ग्राम, ज़ीरा 50 ग्राम, धनिया 50 ग्राम, इन तीनों को लेकर हल्का सा भून लें। उसके बाद पाउडर बना लें और चौथे नंबर पर सब्जी इलायची लेकर 25 ग्राम इलायची लेकर उसको भी आप पाउडर बना लें। चार दवाओं को अच्छी तरीके से ग्राइंडर में डालकर पीस लें। उसके बाद पाउडर बनाकर एक कांच के जार में महफूज कर लें। रोजाना इफ्तार के बाद एक चम्मच गुनगुने पानी में आप ले सकते हैं या ठंडे पानी में भी ले सकते हैं और सहरी में भी एक चम्मच खाकर थोड़ा सा पानी पी लें। इससे आपको प्यास नहीं लगती, दिन भर की थकान दूर होती है और गैस, एसिडिटी, पेट में जलन होना, सीने में जलन होना, खट्टे डकारे आना और कब्ज की शिकायत होना, ये सब शिकायतें दूर हो जाती हैं। इस दवा को बनाएं, फायदा उठाएं और हमें दुआ में याद रखें। थैंक यू।